नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवानी श्रीवास्तव। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल घायल हो गए हैं। सड़क हादसे में नवनीत सहगल घायल हुए हैं। एयर शो से पहले ये हादसा हुआ है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ये हादसा हुआ है। उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, नवनीत सहगल प्रमुख सचिव सूचना घायल हो गए हैं। हमारे संवाददाता अभिनव पांडे इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अभिनव, ये एक बड़ी खबर है, नवनीत सहगल के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, बिल्कुल, मैं बता दूं कि आज चूंकि 21 तारीख को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है और ऐसे में वहां पर एयर शो जो मिग विमान है उसको वहां पर उतारा जाना है। इसी के लिए मुआयने के लिए बाकायदे नवनीत सहगल जो प्रमुख सचिव सूचना है वो वहां पर गए थे। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि उनके पास ये पूरा कारोबार, उन्हीं के पास विभाग भी है ये पूरा नेशनल हाईवे का, तो वो वहां पर गए थे। और उसी दौरान जब वो लौट रहे थे तो रेनॉल्ट गाड़ी है उसके साथ जो है उनकी एम्बेसडर गाड़ी का आमने सामने का टक्कर हुआ। और टक्कर के बाद जो है गंभीर रूप से, ऐसा बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से जो है वो घायल हो गए। हालांकि फिलहाल मैं बता दूं कि उनको वहां के डीएम और एसपी मौके पर तुरंत पहुंच गए और उसके बाद उनको वहां से लेकर तुरंत जो है वो ट्रॉमा सेंटर लखनऊ पे उनको वहां पर भर्ती कराया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये जिस तरह से वो एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद जो है उन पर जो है इस तरह की जो चोट लगी है वो जरूर देखना होगा कि कितनी ज्यादा चोट लगी है। इस पर मौके पर आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। जी अभिनव, कैसे हुआ है यह हादसा? क्योंकि एक्सप्रेस वे है और ये इसीलिए वो बनाया जा रहा है कि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। हालांकि अभी उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है, एक बड़ी जिम्मेदारी नवनीत सहगल के ऊपर थी। और कैसे हुआ है यह हादसा? गाड़ी जो सामने से आ रही थी क्या वो नहीं देख पाए? और उनकी कार में कौन कौन लोग सवार थे? देखिए, मैं बता दूं कि ये हादसा एक्सप्रेस वे पे नहीं हुआ है, बल्कि वो वापस जो जब लखनऊ आ रहे थे, बांगर मऊ जगह है लखनऊ के आसपास के उन्नाव के बीच में, वहां पर वो हादसा हुआ है। वहां पर हसनगंज के पास में जो है वहां पर वो हादसा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं जो हादसा था वो इसी के बीच में हुआ है। ये हादसा जो है वो एक्सप्रेस वे पे नहीं हुआ है, एक्सप्रेस वे पे वो नहीं थे। लेकिन कहीं कहीं चिंता की जरूर बात है, क्योंकि जो हादसा हुआ है उससे कहीं जो आला अधिकारी हैं जिनके साथ साथ जो है वो लोग जो है काफी सत्ते में हैं। क्योंकि अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन क्या जानकारी मिल पा रही है? हादसे की वजह क्या? गाड़ी अनियंत्रित थी, तेज रफ्तार थी, कुछ पता चल पा रहा है आपके सूत्रों से? देखिए, मोड़ पे जो है एक गाड़ी आ गई अचानक, रेनॉल्ट गाड़ी जो है वो सामने अचानक आ गई। और चूंकि इनकी गाड़ी जा रही थी तो उसमें आमने सामने की जो है अचानक नियंत्रण पे नहीं रख पाया ड्राइवर ने और आमने सामने की टक्कर के बाद उनको जो है चोट आई है। फिलहाल मैं बता दूं कि ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में उनको जो है वहां पर ले जाया गया है और अब जो प्राथमिक उपचार है वो शुरू हो चुका है। उसके बाद जो है कहां कहां चोट लगी है ये सारी चीजें जो है देखना होगा। जी अभिनव, कितनी देर पहले की ये घटना है? और जो दूसरी कार के बारे में आप बता रहे हैं उसमें कितने लोग सवार थे, क्या ये जानकारी मिल पा रही है? क्या वो लोग भी घायल हुए हैं? और सहगल साहब के साथ कौन कौन लोग थे? क्योंकि कुल मिलाकर मैं बता दूं, चार लोग घायल होने की जो है इसमें सूचना है। जो एक सामने जो टक्कर हुई है उसका जो ड्राइवर था वो घायल हुआ है। इसके साथ साथ जो प्रमुख सचिव सूचना का जो ड्राइवर था वो घायल हुआ है। नवनीत सहगल घायल हुए हैं और उनके साथ एक और जो है वो स्टाफ था वो भी घायल हुआ है। अब ये अभी जल्दबाजी होगी बताना कि और कितने लोगों फिलहाल चोटें हुई है, लेकिन चार लोगों की जो सूचना है हमको, वो चार लोग जो है इसमें मामले में घायल हुए हैं, जिसमें प्रमुख सचिव सूचना को ज्यादा चोट लगी है। जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव। हमारे साथ आशु भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आशु, आप क्या अपडेट दे पाएंगे? जी, मैं बता दूं पूरा मामला बांगर मऊ से रिहर्सल जहां पर था फाइटर प्लेन, तो वहां से मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल वापस लौट रहे थे और आज पहुंचने ही वाले थे कि हसनगंज के पास सामने से एक रेनॉल्ट कार तेजी से आ गई जिससे उनकी अम्बेसडर कार भिड़ गई। भिड़ते ही मुख्य सचिव सूचना काफी गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका एक गनर था और ड्राइवर वो भी घायल हो गया, जिनको तुरंत लखनऊ के लिए भेजा गया। जी और शालू, जिस तरह से कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, बड़े अधिकारी होते हैं उसके साथ एक स्कॉट रहता है, कोई और गाड़ियों का काफिला या कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी साथ में? जी, अभी कुछ जानकारी मिल पा रही है कि एक गाड़ी उनके साथ थी जो कि एक सरकारी गाड़ी थी, वो उनके साथ थी और काफी गाड़ियां पीछे थी जो कि फ्लीट चल रही थी उसके पीछे, यही अभी जानकारी मिल पा रही है। जी, चोट के बारे में कुछ बताया जा रहा है, कहां उनको चोटें आई हैं? क्योंकि ट्रॉमा सेंटर में अगर भर्ती कराया गया है जाहिर सी बात है चोटें गंभीर होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वहां पर एक तीव्र मोड़ होता था, तिरछा मोड़ होता है, यू टर्न होता है,
वहाँ पर अचानक इतनी तेज गाड़ी भिड़ी है कि जिसके चलते उनको काफी चोटें आई होंगी, ये बताया जा रहा है प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार। जी, उनके साथ और कौन कौन लोग थे इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? जी अभी बिल्कुल कह पाना मुश्किल होगा कौन कौन थे, लेकिन अभी जानकारी की जाए, जैसे ही कुछ जानकारी मिलती बताया जाए। जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ी और दर्दनाक ये खबर है, प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल जो कि एक्सप्रेसवे की तैयारियों में लगे हुए थे, उसी का जायजा लेकर वो लौट रहे थे, उसी दौरान बताया जा रहा है रेनॉल्ट सामने से आई है, मोड़ इस तरह का था, गाड़ी की तेज़ रफ्तार थी, सामने वाली गाड़ी ने इतनी ज़ोर से टक्कर मारी है कि नवनीत सहगल जिस गाड़ी में थे उसको भी, उस गाड़ी में बैठे लोगों को भी चोटें आई हैं। और नवनीत सहगल के बारे में बताया जा रहा है कि इतनी गंभीर चोटें आई हैं कि उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। प्रमुख सचिव सूचना है नवनीत सहगल जो कि एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन होने वाला है, जिस पर आज अभ्यास चल रहा था, अभी कुछ देर पहले ही मिग जहाज़ यहां पर उतारा गया था, मिग विमान यहां पर उतारा गया था, उसी का जायजा लेने के बाद वो वहां से लौट रहे थे और उसी दौरान ये सड़क हादसा हुआ है। नवनीत सहगल जो कि इस हादसे में घायल हुए हैं, एयर शो से वो लौट रहे थे उस दौरान यह हादसा हुआ है, सामने से एक कार आ रही थी उसने तेज़ी से टक्कर मारी है और उसके बाद शुरुआती जो जानकारी मिल पा रही है, कहा यह जा रहा है कि इस हादसे में नवनीत सहगल घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल भेजा गया जहां से उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन होने वाला है, एक मुख्यमंत्री का ये बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है, उसको लेकर कोई कमी ना रह जाए, इस बात का पूरा ख्याल नवनीत सहगल ही रख रहे थे, पूरी ये जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी और इसी का जायज़ा लेने के बाद वो, देखिए आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा। एम्बेसडर कार जिसमें नवनीत सहगल सवार थे, सामने से रेनॉल्ट आ रही थी और उसने टक्कर मार दी है। देखिए आप तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी के आगे के परखच्चे उड़ गए हैं। हालांकि दोनों ही गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, दूसरी कार में कितने लोग सवार थे अभी ये पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये जो आप सफ़ेद एम्बेसडर देख रहे हैं इसमें प्रमुख सूचना सचिव नवनीत सहगल सवार थे, वो एक्सप्रेसवे का हवाई जो अभ्यास चल रहा था उसका जायज़ा लेने के बाद यहाँ से लौट रहे थे और उसी के बाद ये एक बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि नवनीत सहगल को अभी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत के बारे में भी हमारे संवाददाता जैसा कि जानकारी दे रहे हैं कि चोटें कहां कहां आई हैं, हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है, शुरुआती जांच अभी की जा रही है, हादसा कैसे हुआ होगा, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि तेज़ रफ्तार से सामने से कार, आप तस्वीरों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हादसा, ये घटना कितनी ज़बरदस्त रही होगी। एक मजबूत गाड़ी माना जाता है एम्बेसडर को और उसके किस तरह से परखच्चे उड़ गए हैं। नेशनल वॉइस पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, आप देखिए एक दर्दनाक ये हादसा हुआ है, सामने से एक कार ने टक्कर मारी है, नवनीत सहगल इस कार में सवार थे, एम्बेसडर सरकारी गाड़ी है इसमें वो सवार थे, एयर शो का जायजा लेने के बाद वो लौट रहे थे और उसी दौरान ये एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है नवनीत सहगल जिन्हें चोटें आई हैं, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, शुरुआती जांच में पता चल पा रहा है जो कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि सामने से एक तेज रफ्तार कार आ रही थी, उसे बचाने की कोशिश में ही ये हादसा हुआ है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यह हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा, दोनों ही गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं और इसी में नवनीत सहगल सवार थे। जिस तरह की शुरुआती जानकारी मिल पा रही है, बताया जा रहा है कि नवनीत सहगल के सिर में चोट आई है और जिसके चलते उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। नेशनल वॉइस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, यहीं पर ये हादसा हुआ है। एक्सप्रेसवे जिस पर तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं, उद्घाटन होने वाला है, महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री की ये है और मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, किसी तरह की व्यवस्था में कोई कमी ना रह जाए, इसकी सारी जिम्मेदारी नवनीत सहगल पर थी और हर एक तैयारी का बारीकी से जायज़ा वो ले रहे थे। एयर शो यहां पर हुआ था, अभ्यास शो जिसे कहा जा सकता है, मिग जहाज़ यहां पर उतारा गया था और अब वो यहां से रवाना हो रहे थे, लौट रहे थे और उसी दौरान ये एक
रोड एक्सीडेंट हुआ है, सड़क हादसा, जिसमें बताया ये जा रहा है, जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि सामने से एक कार तेज रफ्तार से आ रही थी और उसने नवनीत सहगल जिस एम्बेसडर में सवार थे उससे टक्कर मारी है। एम्बेसडर जो कि एक मजबूत बोल्ड गाड़ी मानी जाती है उसे टक्कर मारी है और तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टक्कर कितनी भयानक, कितनी ज़बरदस्त रही होगी कि जिससे गाड़ी के आगे के परखच्चे ही उड़ गए हैं। हालांकि ये अभी नहीं पता चल पा रहा है नवनीत सहगल के साथ इस गाड़ी में कौन लोग और सवार थे और जो दूसरी गाड़ी ने टक्कर मारी है उसके बारे में भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। वो गाड़ी कौन चला रहा था, किसकी गाड़ी है और क्या वजह रही थी इस एक्सीडेंट के पीछे। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री को करना है, महत्वाकांक्षी योजना है और उसकी जिम्मेदारी सारी नवनीत सहगल पर थी, किसी भी तरह की कोई खामी ना रहे इसी का जायज़ा लेने के लिए वो एक्सप्रेसवे पहुंचे हुए थे और उसके बाद वो यहाँ पर एक एयर शो भी था। जब वो यहाँ से लौट रहे थे उसी दौरान ये हादसा हुआ है। एम्बेसडर कार में वो सवार थे, इसी कार में वो सवार थे और सामने से आ रही एक कार ने उनकी कार को ज़बरदस्त टक्कर मारी है जिसमें नवनीत सहगल को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि उनके सिर में चोट आई है जिसके चलते उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हालांकि कितने लोग उनके साथ और सवार थे अभी ये पता नहीं चल पा रहा है। जिस गाड़ी ने टक्कर मारी है, हादसा किन परिस्थितियों में हुआ है, क्या वजह रही है इस हादसे के पीछे, हालांकि अब ये अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ये एक बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन होने जा रहा था, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सिर्फ ये आखिरी निरीक्षण जिसे कहा जा सकता है, आखिरी तैयारी का जायज़ा लेने के लिए नवनीत सहगल यहाँ पर पहुँचे हुए थे और इसी के बाद वो जब वहाँ से लौट रहे थे ये एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एयर शो का आज आयोजन किया गया था, एक तरह से अभ्यास उसे कहा जा सकता है, एक तरह से प्रैक्टिस उसे कही जा सकती है। उस पर मिग विमान उतारा गया था ये देखने के लिए सड़कों की मजबूती कितनी दुरुस्त की गई है, कितनी मजबूत ये सड़कें बनकर तैयार की गई हैं, इस एक्सप्रेसवे को कितनी मजबूती के साथ बनाया गया है और इन सब की जिम्मेदारी नवनीत सहगल पर थी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। और उसी का जायज़ा लेने के बाद वो यहाँ से लौट रहे थे तभी ये एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक बहुत बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, सड़क हादसे में नवनीत सहगल घायल हो गए हैं। बताया ये जा रहा है, शुरुआती जांच में ये कहा जा रहा है कि उनके सर में चोटें भी आई हैं। अंदाज़ा आप इस एक्सीडेंट को देख के ही लगा सकते हैं कि ये दुर्घटना कितनी भयंकर रही होगी, कितनी ज़बरदस्त टक्कर रही होगी दो गाड़ियों की। दोनों ही सफ़ेद रंग की कारें, एक एम्बेसडर कार जिसमें नवनीत सहगल सवार थे। हमारे संवाददाता आशु तिवारी ताज़ा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी आशु। हेलो। जी आशु, क्या अपडेट दे पाएंगे? जी मैं आपको बता दूं, अभी अपडेट यही मिल रही है कि उनकी गाड़ी और उसकी टक्कर रेनॉल्ट से टक्कर हुई थी। नवनीत सहगल की जो अम्बेसडर गाड़ी थी रेनॉल्ट से टक्कर हुई थी, उसमें नवनीत सहगल साहब और उनका गनर और एक और कोई था जो कि घायल हो गए, जिसको लखनऊ भेजा गया है। जी कैसे टक्कर हुई, चश्मदीदों से क्या बातचीत हो पाई है या कोई ये बता पा रहा है, उनके साथ कौन लोग बैठे हुए थे, गाड़ी में और कितने लोग सवार थे? चश्मदीदों का कहना यह है कि एक यू टर्न पड़ता है जहां पर नवनीत सहगल साहब की गाड़ी और एक रेनॉल्ट कार आ रही जो काफी स्पीड में, दोनों के आमने सामने भिड़ंत हो जाती है, जिसके चलते नवनीत सहगल साहब और उनके गनर और उनके साथ एक और कोई था, काफी चोटें आती है। आनंद फानंद में उनको जो उनके साथ एम्बुलेंस चल रही होती वो लेके लखनऊ ट्रामा सेंटर की जाती है। जी जी आशु, हमारे दर्शकों को बताया कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी नवनीत सहगल पर थी इस एक्सप्रेसवे को लेकर जिसका उद्घाटन होने जा रहा था। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, नवनीत सहगल साहब यहां पर जो एक्सप्रेसवे आगरा एक्सप्रेसवे भांगर मोह में जो रनवे था वहां पे आज फाइटर प्लेन की रिहर्सल चल रही थी, जिसके चलते वहां पर वो पहुंचे हुए थे, सभी अधिकारी वहां पर थे,
रिहर्सल के बाद वो वापस लखनऊ के लिए चल रहे होते हैं कि हसनगंज के पास एक गौरिया गांव पड़ता है, वहां पर इनका एक्सीडेंट हुआ है, जो एक यूटर्न लेती हुई गाड़ी, तो यूटर्न मोड़ था, उसी के बाद इनका एक्सीडेंट हुआ है। जी जी, कितनी दूरी पर है ये? जी मैं आपको बता दूं, जहां पर ये आगरा एक्सप्रेस है वहां से मान के चलिए कम से कम 30 किलोमीटर का दायरा है, तो वहां पर इनका एक्सीडेंट हुआ है, फिर वहीं से सीधे इनको लखनऊ भेजा गया। जी जी आशु, फर्स्ट एड क्या वक्त पर पहुंच गया था? उनको प्राथमिक उपचार दिया गया था? कितने वक्त लगा उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने में? हालांकि आशु, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, हमारे दर्शकों को पहले ये तस्वीरें दिखा देते हैं, नेशनल वॉइस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, आप देखिए कि कितना दर्दनाक यह हादसा रहा होगा। आप तस्वीरों को देखकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, किस तरह से जबरदस्त टक्कर दो वाहनों में हुई होगी। एम्बेसडर कार जिसमें नवनीत सहगल सवार थे, उस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं अंदर बैठे लोगों का हाल क्या हुआ होगा। दोनों गाड़ियां हैं, दोनों गाड़ियों की बुरी तरह से टक्कर हुई है। प्रत्यक्षदर्शी यहां पर पहुंच चुके हैं, पुलिसकर्मी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। कोशिश यही जानने की जा रही है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ है, दूसरी गाड़ी में कौन लोग सवार थे, कितने लोग सवार थे, वजह क्या रही है। गाड़ी अनियंत्रित हो गई थी, रफ्तार ज़्यादा थी, सारी जानकारियां जुटाने की अब कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि नवनीत सहगल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, वहाँ पर उनका उपचार चल रहा है, साथ ही उनके सर में चोट लगने की भी खबर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा तिवारी जुड़ गए हैं। शिवा, ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया है नवनीत सहगल को, कोई जानकारी आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल, देखिए अभी ट्रॉमा सेंटर में उनको भर्ती कराया गया है, यहाँ पर हालांकि वो होश में है ऐसा डॉक्टर से पता लगा है कि उनके सिर पर चोट लगी है, और लेकिन अभी कोई बेहोशी की हालत में नहीं है। डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं कि उनको और कहाँ कहाँ पर चोटें हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था काफी भीषण एक्सीडेंट हुआ था, और गाड़ी की जो कार है उनकी उसकी स्थिति बता रही कि कितना भीषण एक्सीडेंट हुआ होगा, इसलिए डॉक्टर्स भी इस बात पर एहतियात बरत रहे हैं कि शरीर में कहां कहां पर चोट हो सकती है। हालांकि वो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, यानी होशो हवास में है, लेकिन कई शरीर में कई जगह उनकी चोट लगी है, क्योंकि ब्लड भी गाड़ी में भी बिखरा हुआ था, और रास्ते में जिन लोगों ने चश्मदीदों ने देखा था उनके मुताबिक भी उनके शरीर में कई जगह चोट लगी है, इसलिए डॉक्टर्स उनका जो एक निरीक्षण का काम है वो कर रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर ये तय करेंगे कि कहीं कहाँ कहाँ पर चोट लगी है, क्या स्थिति है एक्चुअल उनकी। जी, उनके साथ कुछ और लोग भी थे, और राहत बड़ी सबसे बड़ी खबर तो यही है शिवा, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि वो बातचीत कर रहे हैं, हालांकि उनको चोटें आई हैं, लेकिन एक जो तस्वीरें बयां कर रही है हादसा कितना भयानक रहा होगा, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें हैं दो कारों की, जो जबरदस्त टक्कर यहाँ पर हुई है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं सबसे पहले कि नवनीत सहगल के साथ में 5 और ऐसे लोग हैं जो घायल हुए हैं, जबकि सबसे पहले तो सहगल साहब की गाड़ी पर खुद उनका ड्राइवर और एक अर्दली मौजूद था, उसके अलावा जिस गाड़ी से इनकी टक्कर हुई उसमें भी 2 लोग सवार थे जो सामने से आई थी और इनके ऊपर इनकी गाड़ी से टकराई थी। सबसे बड़ा सवाल ये भी आपको बता दूं कि जिस तरीके से एक्सप्रेसवे में इजाजत नहीं थी किसी को गाड़ी ले जाने की, आज वहां पर एयरफोर्स का जो ट्रायल हो रहा था, जो वहाँ पर फाइटर्स उतारे जाने की प्रैक्टिस हो रही थी, क्योंकि 21 तारीख को ही उसका उद्घाटन। जी बिल्कुल शिवा, आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि खबर ये आ रही है कि युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी नवनीत सहगल का हालचाल जानने के लिए ट्रॉमा सेंटर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। यादव जी, स्वागत है आपका। यादव जी, एक बहुत ही दर्दनाक ये खबर आ रही है नवनीत सहगल के बारे में, जानकारी आप तक भी पहुंची होगी, गंभीर चोटें आई हैं उन्हें। हाँ, बहुत ही दुखद है, और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि जल्दी से ठीक हो जाए, और सरकार पूरी कोशिश कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बहुत ही इसमें गंभीर है और पहुंच रहे हैं, और हम लोग भी पहुंचने वाले हैं, और जितना भी संभव है पूरी कोशिश की जाएगी। जी, ट्रॉमा सेंटर में उनके हालत के बारे में, उनके स्थिति के बारे में आप बता पाएंगे? नहीं, अभी तो पहुंचे नहीं है। नहीं, जानकारी आप तक पहुंची होगी, कहां उन्हें चोटें आई हैं, किस तरह से उपचार उनका किया जा रहा है? बातचीत कर रहे हैं, और लेकिन अभी उसमें केयर में। ट्रॉमा सेंटर पर ले जाना ये ही एक चिंता की बात हो जाती है कि कोई बड़ी बात होती है तभी ट्रॉमा सेंटर तक किसी शख्स को हम लेकर जाते हैं या किसी
चलिए, संपर्क हमारा कट गया है, उनका भी यही कहना है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं यादव जी, जो ये बोल रहे हैं कि वो भी अब वहाँ पर पहुँचने वाले हैं नवदीप सहगल का हालचाल जानने के लिए और किस तरह की उन्हें चोटें आई हैं, हालांकि वो अभी ये नहीं बता पा रहे हैं। शिवा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवा, आपने भी सुना, ये कहा जा रहा है कि जो मंत्री हैं और ख़ास तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, वहाँ पर भी अब लोगों में यही जानने की उत्सुकता ज़्यादा होगी कि नवनीत सहगल के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मुहैया कराई जा सके। शिवा जी, सवाल दोहराएं एक बार। शिवा, नवनीत सहगल के बारे में जानने के लिए लोग भी वहां पर पहुंच रहे होंगे, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जो जानकारी वहां पर मिल पा रही है, क्या कहा जा रहा है ट्रॉमा सेंटर की तरफ से? देखिए, सबसे पहले बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश के बहुत कद्दावर ब्यूरोक्रेट है नवनीत सहगल और सूचना विभाग के जो कि प्रमुख सचिव हैं, इसलिए काफी तादाद में लोग, बड़ी तादाद में मीडिया वहां पर पहुंच चुकी है और क्योंकि ज्यादातर उनका इंटरेक्शन था, इसके साथ साथ सरकार में भी उनकी बहुत अच्छा नेटवर्किंग रही है, पूरी सरकार में, पूरी ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज्यादा उनकी नेटवर्किंग मानी जाती है और इस वजह से बड़ी तादाद में लोगों का जो हुजूम है वो वहाँ पर पहुंच रहा है। हालांकि जो बता दूं आपको, ट्रॉमा सेंटर है, उसकी लोकेलिटी ऐसी है कि वहाँ पर आसपास बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में लाव लश्कर यानी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, इसलिए कुछ लोगों को रोका भी गया है। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी वहाँ पर पहुंच सकते हैं जल्दी उनके हालचाल लेने। हालांकि एक राहत की यहाँ पर खबर है, क्योंकि अभी तक जो वो होश में है नवनीत सहगल और बातचीत भी की उन्होंने डॉक्टर से और उनके सिर में चोट आई है, डॉक्टर्स उनकी जांच करा रहे हैं। सबसे पहले तो उनका एक एक्सरे कराने के बाद सीटी स्कैन कराया जा रहा है ताकि उनके सिर में अंदरूनी स्थिति की को देखा जा सके कि क्या उनको कोई अंदरूनी चोट लगी है, क्योंकि जो एक्सरे रिपोर्ट आई है उनकी एक्सरे रिपोर्ट में बहुत ज्यादा चोट नहीं दिख रही है, लेकिन ब्लड निकला था, इसकी वजह से अब सीटी स्कैन भी कराया जा रहा है ताकि और भी अंदरूनी। तो वो शिवा, क्या ये जानकारी मिल पाई है एक्सीडेंट के बाद वो किस तरह से वहां पर पहुंचे, किस तरह से उन्हें वहां लाया गया? जैसा कि आप ये बोल रहे हैं, एक बड़ी राहत ये खबर दे रही है कि वो बातचीत कर पा रहे हैं, सबसे अच्छी खबर तो यही है। देखिए, चूंकि ये कार्यक्रम था एयरफोर्स का, एयरफोर्स के फाइटर वहां पर उतरने थे और एयर शो हो रहा था, जो आगरा एक्सप्रेसवे अभी नया तैयार हुआ है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, तो वहां पर वो गए थे, तो उनके साथ में काफी जो ऑफिशियल लोग थे, काफी सरकार के अधिकारी और पुलिस के कुछ लोग भी थे, तो आगे इनकी गाड़ी चल रही थी, काफी आगे पीछे करके का पूरा काफिला चल रहा था और उसी दौरान ये हादसा हुआ है, तो काफी सरकारी कर्मचारी अधिकारी उनके आसपास मौजूद थे जो एक्सीडेंट के बाद उनको लेकर अस्पताल तक। जी, जानकारी मिलते ही शिवा, ट्रॉमा सेंटर की भी सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दी गई होगी और जिस तरह की अब खबरें आ रही हैं कि सीएम भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और खासतौर पर आसपास का जो इलाका है उसको भी थोड़ा इस तरीके से डाइवर्ट किया गया है नॉर्मल ट्रैफिक को, क्योंकि अब वहां पर आवाजाही बढ़ गई है, लोग बड़ी तादाद में वहां पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो सरकार के लोग हो, चाहे वो प्रशासन के लोग हो, चाहे मीडिया के लोग हो, सभी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और अब सीएम को पहुंचने को लेकर वहां पर आसपास व्यवस्था की जा रही है। और जो सबसे प्रमुख चीज है वो ये कि डॉक्टर्स पूरी तरीके से उनकी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। शिवा, हालांकि ये पूछना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन क्या इस बारे में कुछ बताया जा रहा है अस्पताल की तरफ से कि क्या उन्हें अभी ऑब्जर्वेशन में थोड़े दिनों रखा जाएगा, किस तरह की उनकी हालत है? क्योंकि एक बड़ा सवाल ये भी है, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे ऊपर है, उसके बाद एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाता है, जैसा कि आप कह रहे हो उनको चोटें आई हैं लेकिन वो बातचीत भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये बात जरूर है कि वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स जब तक सेटिस्फाई नहीं होते, डॉक्टर्स पूरी चेकिंग करेंगे, एक्सरे के बाद सीटी स्कैन किया जा रहा है उनके हेड का, क्योंकि हेड में उनके चोटें आई है, तो डॉक्टर पहले इस बात की तसल्ली कर लेंगे कि हेड में कोई अंदरूनी वैसी बड़ी चोट तो नहीं है। इसके अलावा पूरे बॉडी में चेकअप किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर चोट है, क्या कोई फ्रैक्चरल है या फिर और कोई इंटरनल कोई गंभीर चोट हो सकती है। जब पूरी रिपोर्ट डॉक्टर्स जांच पड़ताल के बाद निकालेंगे, उसके बाद ही डॉक्टर्स उनको इजाजत देंगे कि क्या वो हॉस्पिटल में भर्ती रहेंगे या फिर वहां से उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। जी शिवा, और ये भी बता पाएंगे आप क्या कि यहाँ पे नवनीत सहगल के साथ कार में और कौन सवार था, ट्रॉमा सेंटर या अस्पताल में और किन लोगों को लाया गया है, कोई जिम्मेदार और बड़े अधिकारी भी क्या उनके साथ थे?
देखिए नवनीत सहगल के साथ में उनके एक अर्जरी और उनके ड्राइवर दो लोग केवल सवार थे, क्योंकि जब यहाँ से जा रहे थे तब कई लोग ये कई अधिकारी सरकार की तरफ से यहाँ से पहुंचे थे, लेकिन वापसी हो रही थी वहाँ से, प्रोग्राम खत्म हुआ था, उसके बाद नवनीत सहगल अपनी गाड़ी से चले थे अकेले और यहाँ पर रास्ते में जब पहुंचे थे तो उनके साथ में उनका अर्जरी और ड्राइवर था। सामने से जो गाड़ी आई थी उसमें भी दो लोग सवार थे, वो हालांकि उनकी पहचान नहीं हो पाई है, वो गाड़ी कानपुर के नंबर से रजिस्टर है कानपुर के आरटीओ से, और उस गाड़ी से इनकी टक्कर हुई थी। पीछे जो थे सरकार के कुछ अधिकारी लोग थे वो वहाँ पीछे जा रहे थे, जब उन्होंने देखा आगे हादसा होते हुए तो वो लोग रुके और वही लोग नवनीत सहगल को लेकर ट्रॉमा सेंटर। जी शिवा, और क्या जानकारी आप वहाँ से हमें दे पाएंगे? ट्रॉमा सेंटर पर आप हैं, वहाँ पे नवनीत सहगल के परिवार के क्या लोग पहुँच चुके हैं? क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी मंत्री कोई वहाँ पर पहुँचा है? और जिस तरह से कहा जा रहा है मुख्यमंत्री भी पहुँचने वाले हैं, कब तक वो पहुँचेंगे कोई जानकारी? देखिए बहुत जल्द मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये इसकी सूचना यहाँ पर दी जा चुकी है, जो पुलिस है वहाँ पर जो सिक्योरिटी में लोग हैं उनकी उनको सूचना मिल चुकी है, कुछ अधिकारी भी मौके पर पहुँच चुके हैं सूचना विभाग के, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट के वो प्रमुख सचिव हैं तो इस वजह से वहाँ के लोग भी काफी पहुँच चुके हैं, मीडिया के लोग काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जब जैसे जैसे जानकारी है, क्योंकि आज कैबिनेट था तो काफी लोग कैबिनेट के चलते काफी जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री और तमाम लोग भी यहाँ पर लखनऊ में ही हैं, इसलिए धीरे धीरे इन लोगों का भी पहुंचना वहाँ पर। जी बिल्कुल शिवा, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें, ताजा अपडेट आपसे लेंगे। ट्रॉमा सेंटर से हमारे संवाददाता शिवा आपका और घटनास्थल से हमारे संवाददाता आशु, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।